हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसे कुलचे घर में बहुत ही आसान तरीके से। इसे बनाने के लिए ना ही बेकिंग सोडा, ना ही बेकिंग पाउडर, ना ही दही और ना ही ओवन की जरूरत पड़ेगी। घर में रखे लोहे के तवे पे इसे आसानी से बना सकते हैं। एक बार इसे बना लेंगे तो रेस्टोरेंट के कुलचे भी खाना भूल जाएंगे और एक बार इसे बनाकर जिसे भी खिलाएंगे सभी पूछेंगे इसे कैसे बनाया। ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट फूले फूले कुलचे घर में आसानी से बना सकते हैं, तो इस रेसिपी को क्यों ना बनाया जाए। रेसिपी मेरी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। रेस्टोरेंट जैसे कुलचे घर में बनाने के लिए लेना है 2 कप मैदा, तो 1 कप मैदा 200 ग्राम के लगभग है, तो 2 कप मैदा 400 ग्राम होंगे और इसे एक गमले में डाल लेंगे। सही मेजरमेंट से बनाएंगे तभी कुलचे एकदम परफेक्ट बनेंगे। इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच नमक और 1 छोटे चम्मच डालना है चीनी, तो इसमें चीनी नमक एकदम हिसाब से डालेंगे। कुलचे में हमेशा दही और बेकिंग सोडा डलाता है, तो इसे बना रहे हैं बिना बेकिंग सोडा और बिना दही के। तो यहाँ पर मैंने लिया है 150 ग्राम के लगभग गरम दूध, तो दूध को खौला लिए हैं और एक कटोरी में ले लेना है। अब इसमें एक सीक्रेट डालेंगे, वो है नींबू। तो यहाँ पर 1/2 पीस नींबू मैंने लिया है जिसका बीज निकाल लिए हैं। अब इस गर्म दूध में नींबू का रस निचोड़ लेंगे और यहाँ पर देखिए नींबू का रस डालते ही दूध में थोड़ा सा फटने लगा है, थोड़ा सा इसमें दही जैसा फ्लेवर आने लगा है। तो यहाँ पर देखिए चम्मच से चलाकर दिखा रहे हैं और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो एकदम दही जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसे गर्म कर लिए हैं, एकदम इंस्टेंट दही बनकर तैयार है। दूध में थोड़ा सा पानी डाला हुआ था इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी है। तो अब हमारी दही बन गई है। अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के जगह पर इनो, तो यहाँ पर 1 छोटे चम्मच डालना है इनो। इनो डालने से बहुत ही जल्दी फर्मेंट होता है। और इसमें 4 छोटे चम्मच डालेंगे रिफाइंड तेल, तो आप जो भी तेल खाते हैं आप वो ले लें। और तेल डालने के बाद इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सही मेजरमेंट से और सही तरीके से बनाएंगे तभी हमारे कुलचे एकदम रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे परफेक्ट। तो अब इसे मिक्स कर लिए हैं, अब इसमें डालेंगे दूध से बने हुए इंस्टेंट दही। तो दहा पर दही को थोड़ा सा डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे धीरे धीरे इसमें दही डालकर इसे गूंथ लेंगे। एकदम सॉफ्ट डो इसे बनाना है, एक बार में सारा दूध से बना हुआ दही नहीं डालेंगे। और यहाँ पर इसे लगातार थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे तो यहाँ पर, और इसे एकदम सॉफ्ट बना लेना है। यहाँ पर लेना है 2 चम्मच सूखा मैदा और इसे सूखा मैदा को हाथों में थोड़ा सा लेकर छिड़क कर इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक है कि आप जब भी आटा को गूंथते हैं तो एकदम सॉफ्ट गूंथना है, और इस तरह से सॉफ्ट होने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेने के बाद इसे एकदम पटक पटक कर मिक्स करना है इस तरह से देखिए। और यहाँ पर 2 चम्मच सूखा मैदा लगा है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ताकि इसमें जो थोड़ा सा ऊपर से चिपचिपापन है वो एकदम सॉफ्ट हो सके, अच्छी तरह से मिक्स हो सके। और इसे तब तक गूंथना है जब तक ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ पर देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, एक हाथ में उठाते ही ये एकदम इधर से उधर हो जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एकदम अच्छी तरह से डो हमारा तैयार है। डो हमारा ऐसा हो कि हाथों में चिपके ना, डो तैयार है। इसे गमले में रख कर इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं और ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए थोड़ा सा फैल गया है। और हाथों से देखेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट है और ये हाथों में चिपकते भी नहीं हैं। तो इसे हाथों से दोबारा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसके बनाने हैं बॉल। तो थोड़े मीडियम साइज़ के बॉल बनाएंगे, जिस साइज़ में रोटी बनाते हैं उसे थोड़ा सा बड़ा ही ले लेंगे। जिस साइज के कुलचे बनाने हैं बड़े या छोटे उस साइज में लोई बना लेंगे और हाथों से इस तरह से गोल कर कर थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। इसी तरह से सारे बॉल को बना लेना है। यहाँ पर 6 पीस बॉल बने हैं। अब यहाँ पर लेना है 1 चकला और चकले के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे लोई को रख कर हाथों से थोड़ा सा फैला लेने के बाद बेलन से बेल लेंगे। और यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो तो हाथों से ही इसे लंबा कर लेते हैं, लेकिन हम लोग घर में जब बनाते हैं थोड़ा सा बेलन से इसे लंबा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे हल्के हल्के थोड़ा सा लंबा शेप में बेल लेंगे
और इसकी मोटाई देखेंगे तो इसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये थोड़े मैदे के बने हुए हैं तो ये थोड़े स्ट्रेचेबल होते हैं, इसे थोड़ा बड़ा करेंगे तो थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे बना लेने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे कलौंजी, थोड़ा सा कलौंजी डाल देते हैं, थोड़े से डाल देंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और इसे अब हाथों से इस तरह से चिपका देंगे। और अब इसके ऊपर लगाने हैं पानी, तो यहाँ पर कटोरी में पानी लेकर इसके ऊपर पानी लगा देंगे, दोनों तरफ पानी लगाना है ताकि इसे जब बनाए तो ये आसानी से बन सके। तो यहाँ पर दोनों साइड से इसे पानी लगा लेंगे, इसके लिए इसे चकले से निकाल लेते हैं और यहाँ पर देखिए एकदम सॉफ्ट है और इसे दोनों साइड से पानी लगा लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कुलचे बनने के लिए अब तैयार हैं। तो चलिए अब इसे बनाते हैं तवे पे। तो यहाँ पर मेरे पास लोहे के तवे हैं और इसे गरम करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे जब गरम करेंगे तो ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, मीडियम ही गरम करेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। अब इस कुलचे को इस पे डाल देंगे और हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा किनारे फैला लेंगे, धीमी आंच में 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। इसे चाहे तो ढककर भी पका सकते हैं। तो यहाँ 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब तवा को पलट देंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इसे थोड़ा सा सेक लेंगे। इस तरह से देखिए थोड़ा सा आगे पीछे करते रहेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से ये सेक सके। तो इसे एकदम हल्का सा कलर करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा बनाना है तो थोड़ा सा देख कर इसे थोड़ा सा सुनहरा कर ले। तो यहाँ पर देखिए एकदम हल्का सा क्रिस्पी हो गया है। अब इसे यहाँ पर एक चमटे से निकाल लेंगे तो पक जाने के बाद बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और एकदम कितना सुंदर कलर आया है। तो बाकी बचे हुए कुलचे को भी इसी तरह से बना लेना है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर सारे कुलचे को बना लिए हैं और एकदम टेस्टी और एकदम रेस्टोरेंट जैसे कुलचे घर में आसानी से बना सकते हैं। और इसके ऊपर लगा देंगे थोड़े से बटर, तो बहुत लोग बटर नहीं खाते हैं, अगर आप बटर खाते हैं तो इस तरह से बटर लगा कर एकदम क्रीमी छोले के साथ पनीर के साथ खाएं तो मज़ा ही आ जाएगा। इस तरीके से घर में कुलचे बनाएंगे तो रेस्टोरेंट तो जाना भूल ही जाएंगे। और यहाँ पर देखिए एकदम फूले फूले बने हैं, थोड़े बहुत नहीं फूले थे, थोड़े बहुत फूल गए हैं। तो इस तरीके से आप एक बार घर में ज़रूर बनाएं और रेसिपी मेरी अच्छी लगे। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।